भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई साहेब सिंह जी। प्यारी सत्संग जी, आज हमने सिखों के पांच प्यारे जिनकी सिख जगत में अहम भूमिका है उनके बारे में उनके नाम जाने हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने विसाखी वाले दिन 1699 ईस्वी को खालसा पंथ की स्थापना की थी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने श्री आनंदपुर साहिब, जहाँ के तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी सुशोभित है, वहाँ पर एक भारी पंडाल सजाया गया। वहाँ पर उन्होंने उस विशाल लोगों के इकट्ठ में से पांच सिरों की मांग की, और पांच प्यारे, जिनको हम आज पांच प्यारे बोलते हैं, वो अलग अलग धर्म और जाति से संबंधित थे। उन्होंने अपना शीश दिया और वहां अमृत की दात प्राप्त की और सिंह बने, और फिर उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी से अमृत छका, सिंह सजे, और बाद में जब वो सिंह सज गए तो उन्होंने पांचों ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी को अमृत की दात दी, उनको अमृत छकाया और गोविंद राय से गोविंद सिंह बनाया। आइए इन पांच प्यारे हैं जो उनके जन्म स्थान के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले हैं भाई दया सिंह जी, जिनका जन्म 1 फरवरी 1668 लाहौर में हुआ। और आगे हैं भाई धर्म सिंह जी, जिनका जन्म 12 अप्रैल 1670 को हस्तनापुर, जो के उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता है, वहाँ हुआ। आगे हैं भाई हिम्मत सिंह जी, जिनका जन्म 17 मई 1664 को पुरी सूबा है, जो के उड़ीसा में, वहाँ पर हुआ। आगे हैं भाई मोहकम सिंह जी, उनका जन्म 7 मार्च 1679 को द्वारका, जो के गुजरात में है, वहाँ पर हुआ। आगे हैं भाई साहिब सिंह जी, जिनका जन्म 3 नवंबर 1675 को बिदर, जो के कर्नाटका में है, वहाँ पर हुआ। इस वीडियो में हमने पांच प्यारे, उनके जन्म स्थान और सिख जगत में उनकी जो अहम भूमिका है उसके बारे में जाना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपके शेयर करने से सबको इसके बारे में अहम जानकारी मिल सकेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।